बच्चों, हमने पिछली बार 8वीं कक्षा में पुनरावृत्ति पढ़े थे, जो कि वर्णमाला, मात्राएं, सब कुछ ज्ञान प्राप्त करे थे। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ्य के लिए जाएंगे। तो पहले हम कविता पढ़ेंगे। कविता के लिए सबसे पहले हम पहले जो क्या है प्रश्न है उसको ज्ञान लेंगे, जान लेंगे। तो इसमें किताब में क्या बताया गया है, देखिए ये किताब में चित्र है, चित्र में क्या बताया गया, प्रस्तावना। तो इसमें एक चित्र दिया है, उसके बारे में कविता दी है। तो अब एक चित्र में क्या है पहचानी है, काली क्या होती है, कोयल। तो कोयल क्या बोल रही है और कवि क्या बता रहे हैं हम पढ़ेंगे। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो क्या बोल रहे हैं कवि कि क्या कोयल आप क्या कर रहे हो, किसे बुला रही हो, क्या गा रही हो आप, क्या बतला दो रानी हमें, इतने मीठे स्वर में आप क्या गा रही हो। तो वो क्या, जब धूप काला धूप ज़्यादा होता है तो धरती पूरे नदियाँ कुएँ सब पानी सब सूख जाता है, धूप के गर्मी से, सूरज की किरणों से। तो वो प्यासी धरती को क्या मांग रही है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मेघा मेघा रानी मुझे बरसात दे दो, बरसात आने से ही पानी मिलता है, ऐसा वो कोयल अपने स्वर में, मीठे स्वर में गा रही है। तो अब इसके जो कविता ये है उसके प्रश्न भी हमें यहाँ बताया गया है। तो ये आपके ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये कुछ लिखने के लिए नहीं है। मीठे गीत कौन गाती है, कौन गाती है, कोयल, जिसका स्वर मीठा होता है। हमारे जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमको जीने के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता है। क्यों हम एक समय पर हम अन्न खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। मेघ हमें पानी किस प्रकार देते हैं, किस प्रकार देते हैं, जो कि धूप के सूरज से भाप बनकर ऊपर जाकर वो मेघ बन जाते हैं और फिर मेघ की तरह से पानी धरती पर आता है और हमको पानी मिलता है। तो ये हो गई हमको प्रस्तावना, जिसको हम छोटे से कविता से हम सीख सकते हैं। तो उसी तरह देखिए बच्चों कि हमारे अंग्रेजी महीनों में कौन कौन से महीने होते हैं। अंग्रेजी जनवरी से लेकर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक उसी तरह हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं। आपको पता है एक बार मैंने सातवीं कक्षा में बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बताती हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ऐसे अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं। तो सावन में मतलब क्या है, सावन महीना एक महीने का नाम है ना, अभी अपन हिंदी के नाम में पढ़े। उस महीने में क्या होता है, क्या क्या होता है, कौन से हमको त्यौहार प्राप्त तो मिलते हैं, कौन से त्यौहार होते हैं बच्चों। एक तो स्वतंत्र दिन और दूसरा भाई दूज, है ना, जो हम भाइयों को अपने राखी बांधते हैं वो एक त्यौहार होता है। और उस समय पर कौन सा ऋतु रहता है, ऋतुएं भी कितने होते हैं पता है आपको। तो उस समय ऋतु वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और इसमें भी वर्षा ऋतु में भी छह ऋतुएं होती है। कौन कौन से, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और शिशिर ऋतु, ऐसे छह ऋतुएं हमको प्राप्त होते हैं। उसमें से वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, जब हमें बरसात आने से पहले क्या क्या, किस तरह का वातावरण देख सकते हैं। तो बच्चों कैसा होता है, आकाश में पहले काले बादल छा जाते हैं और जिस तरह देखिए ये आकाश है, तो इसमें ये बादल आ जाते हैं, वो होते काले काले, और हवा देर से जोर से छूट जाती है, हवा आती है और तब ये हवा से बादल एक दूसरे से टकरा कर जब पानी थोड़े धरती पर गिरने के गिर जाते हैं और उसे बरसात कहते हैं। तो इस बरसात, तो आज हम बरसते बादल नामक कविता पढ़ेंगे। वो पहली कविता अपने पाठ्य पुस्तक में है, बरसते
बादल, बरसते बादल मतलब क्या, बादल नहीं बरसते, बरसात पानी के रूप में बादल बरसते। तो इसको पार्ट एक में कविता है, ये क्या है, कविता। इस कविता के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। कवि कौन है, सॉरी कवि कौन है, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत ये कवि है। तो इस इन्होंने कई कविताएं लिखी, उनकी कविता नैसर्गिक के रूप में कविता बहुत ही सुंदर होती है, उनके बेजोड़ कविता माना जाता है, छायावादी कवि थे वो, जो प्राकृतिक कविता को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है उन्होंने। इस कविता को भी उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से हमको प्रस्तुत किया है। जैसे उन्होंने उनकी उनके कविता देखिए क्या क्या है, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत ग्रामा, चिदंबरा आदि काव्य या कविता उनके बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इन्होंने भी इस कविता में हमको कई सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। तो मैं कविता के चार लाइन पहले बताती हूँ, पढ़कर और उसका अर्थ भी आपको बताती हूँ। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के, छम छम बिजली चमक रही रही उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो देखो बच्चों इसके चार लाइन, तो ये क्या बताते हैं, कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत कि मेघ बरसते हैं, कैसे बरसते हैं, जब पानी की बरसात आती है तो आवाज आता है, और कैसा आवाज आता है, सावन के छम 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 जहाँ पर जिस चीज पर पड़ेगी उसी का आवाज आता है, और छम छम बूंदे, बूंदे गिरने पर भी आवाज आता है, इसकी बूंदे ऐसे टप 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 गिरती है, कभी टप आता है, नदी छप आता है, और तरु मतलब पेड़, यहाँ पर पेड़ होता है, पेड़ से जब तालियों से ऐसे पानी गिरते हैं, कहीं छन आता है कभी छम, ऐसी आवाजें हमें सुनाई देती है। चमचम बिजली चमक रही है, बिजली कभी कभी आकाश में बिजली भी चमकते कर 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 का आवाज आता है, बिजली के साथ पानी बरसता है, घन घन मतलब बादल, वो बादल के दिल में क्या होता है, उर मतलब क्या है, हृदय, मानव के दिल में भी हृदय होता है, जो हृदय से ही हम सब कुछ जीवन जीते हैं। तो उसी तरह बादल के घन घन बादल मीन्स घन, उसके हृदय में ये कड़क कड़क बिजली चमक जाती है, और इसी तरह जब दिन में भी देखते हैं कभी कभी बरसात बहुत होती है तो काले बादल आने से हमको दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है, देखे आप कभी आपने, है ना, तो उस दिन हमको अंधेरा थे, अरे अब तो रात हो ही जैसा लग रहा है, ऐसा हमें लगता है, तो अंधेरा मीन्स क्या, थम, तो दिन में भी हमें अंधेरा दिखाई देता है। तो और हम क्या करते हैं, जैसे सोते समय सपने देखते हैं उसी तरह हमको क्या लगता है, अरे रात हो गई, लेकिन हम पानी गिरता है सपने जैसा लग रहा है, कितना हम तो अभी सोचे ही नहीं थे कि इतना जोर से पानी आएगा, बरसात होगी, लेकिन एकदम बादल आने से आकाश में वातावरण बदल जाता है और वो बड़ी बरसात के रूप में हमें पानी ही पानी हर तरफ पृथ्वी पर दिखाई देता है। अब इसके जो हम चार लाइन पढ़े हैं आपको समझ में आया, तो उसके मैं एक शब्दार्थ बताती हूँ, शब्दार्थ हम पहले चार लाइन के लिख लेंगे, मेघ बादल तरु पेड़, तरु पेड़, तम अंधेरा, तम अंधेरा, उर हृदय दिल, हृदय दिल। तो इस तरह से हमने चार लाइन पढ़े हैं। अब दूसरे, दादुर टटर करते झिल्ली बजती छन छन, म्यो म्यो करे मोर पीयू पीयू चातक के गण, उड़ते सोनक बालक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। ये चार लाइन, दादुर मीन्स क्या है, मेंढक, दादुर क्या है, मेंढक, झिल्ली मीन्स
उसका एक अंग जो होता है वो पुकारते रहता है पानी आने से। आपने देखा है बच्चों, जब पानी आने से पहले मेंढक की आवाज़ आती है, डराओ डराओ ऐसा आवाज़ करते हुए पुकारता है, तो उसका एक अंग ऐसा शरीर का जो एक अंग होता है वैसा हिलते रहता है, उसको बोलते हैं झिल्ली। उसका एक जो अंग है उसको बोलते हैं झिल्ली। तो वो आवाज़ भी आता है, अब कभी हम देखने से गौर से उसका शरीर हिलते जैसा दिखाई देता है। ओम म्याओ म्याओ करे मऊ प्यू प्यू चातक के गण, म्याओ म्याओ कर म्याओ मतलब म्याओ 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 मीन्स मोर। मोर तो पानी आते ही बहुत खुश होता है बादल को देखकर, तभी वो अपना नाच नृत्य स्टार्ट करता है, शुरू करता है और वह इस तरह से अपने आवाज़ में गाता है। और चातक एक पक्षी है, चातक को एक पक्षी गाते हैं। वो चातक पक्षी कैसा होता है, पानी की राह देखता है, धूप धूप जब गर्मी जब रहती है वो पानी ही नहीं पीता, जब पानी की बरसात के बूंदों को राह देखता रहता है, जब पानी आएगा तब मैं मुँह में मुँह पानी पीऊँगा, तो इसलिए उसको भी बहुत खुशी होती है और वो भी गाने शुरू कर देता है। कैसा गाता है वो, पीयू पीयू ऐसे गाने शुरू कर देता है। उड़ते सोनक सोन बालक आद्र सुख से कर क्रंदन, देखो बच्चों जो एक पक्षी भी इस तरह से पानी की राह देखता है, उसी तरह धरती भी आद्र यानी सुख गीली हुई, हमको कैसा होता है पानी के नीचे सब तरफ सुखी सुख दिखाई देता है, कैसा खेत हरियाली होते हैं, जमीन हरी भरी हो जाती है, सब तरफ नाले नदियाँ कुएं आदि भर जाते हैं, हमको पानी ही पानी दिखाई देता है और हमको बहुत जीवन में काम आता है। तो जो धरती का जो धूप में तपी हुई धरती को क्रोध से धूप से क्रोध आता है तब वो शांत हो जाती है पानी गिरने से। और जो गीला सुख कैसा है होता है, जैसा धरती में पानी डाले जब इतना गीली हो जाती है उसी तरह सूख हो जाता है, सूख जल्दी ही समाप्त नहीं होना ऐसा धरती को भी लगता है, जैसा ये धरती ऐसे ही श्यामल रहे ऐसे ही पानी से भरी रहे हरी भरी रहे ऐसा धरती को भी लगता है, वो क्रोध से कभी शांत हो जाती है। और घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ जिस तरह पानी आते समय कितना जोर जोर से आवाज़ आती है, जब मेघ नीचे गिरते हैं, मेघ मतलब मेघ नहीं पानी के रूप में आवाज़ आती है, पानी गिरता है और गर्जन करते हुए पानी आता है, कहता है कि मैं आ रहा हूँ धरती को शांत करने में आ रहा हूँ और सब तरह आपको धरती पर शोभा दिखाई देने आ रहा हूँ, क्योंकि पानी गिरने से ही हमको शोभा हर तरफ फूल दिखाई देते, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, पक्षी खुशी होते हैं। जीवन में हर इंसान या मनुष्य या पशु पक्षी पानी से ही सुख पाते हैं, उनको पानी पीने की बहुत गरज ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप से हाँ कई बार पेड़ होना है, पेड़ के नीचे बैठने पर भी उनको गर्मी होती है, पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो खुशी खुशी आनंद पाते हैं कि बरसात आ गई। देखो बच्चों यहाँ पर पेड़ या बच्चे कैसे खुशी से गाना गा रहे और बच्चे भी खुशी से बाहर जाते हैं और पानी में भीगने की तैयारी करते हैं, भीगने पर भी उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो पानी से बहुत प्यार करते हैं छोटे बच्चे भी। तो इस तरह से ये दूसरे चार लाइन के हम शब्दार्थ देखेंगे। दादुल, दादुल का शब्द है मेंढक, दादुल का दूसरा अर्थ है मेंढक। झिल्ली, झिल्ली का अर्थ है मेंढक का एक अंग, मेंढक का अंग। आद्र, आद्र मीन्स गीलापन, इसका अर्थ क्या है गीलापन। क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है क्रोध, क्रोध या गुस्सा भी कहा जाता है। पूर, पूर का हो गया। गर्जन, गर्जन मीन्स आवाज, जोर की आवाज, गर्जन जोर की आवाज। तो समझ गए बच्चों, तो फिर एक बार मैं ये चार पंक्तियां और फर्स्ट लाइन और सेकंड के चार लाइन फिर से पंक्तियां फिर से एक बार पढ़ाऊंगी और उसका अर्थ आपको समझ में आ गया फिर भी एक बार बताऊंगी। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, चमचम गिरती बूंदे तरुण से
छन्न के चमचम बिजली चमक रही पूर में घन के थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो हमारे मन हमारे चमचम बादल हवा से गिरने से मेघ नहीं वर्षा गिरती है वो भी सावन के महीने में और बूंदे गिरती है पूरे तरु तरु मतलब हर एक पेड़ खुशी से झूला झूलता है और बिजली के चमकने से दिन में भी हमको एक बिजली बिजली का खंभा लाइट लग गई है आकाश में ऐसा दिखाई देता है और सबके मन में हृदय में आनंद आ जाता है और दिन में भी हमको अंधेरा दिखाई देता है क्योंकि काले बादल आने से। ये हो गई चार लाइन। दूसरे दादू टटर करते झिल्ली बजती छन छन म्याओ म्याओ करे मोर पियू पियू चातक के गण उड़ते सोनक बालक आद्र सुख से कर कंदन घुमर घुमर का गीर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो ये है दूसरे लाइन। दादू मेंढक क्या करते हैं वर्षा आने से पहले वो एक संदेश के रूप में या उनकी खुशी के रूप में वो आवाज करते हैं जब उनकी झिल्ली मतलब उसके अंग का एक शरीर वो ऐसा खुशी से झील हले झूलते हुए दिखाई देता है और मोर भी पानी आने से पहले खुशी से अब पानी बरसात होने वाली है और पहले का वातावरण उसको मोर को बहुत पसंद रहता है काले काले बादल को देखकर वो नृत्य करता है और चातक पक्षी भी पानी की राह देखकर पानी की अपने प्यास बुझाने के लिए वर्षा की राह देखता है और आद्र सुख जैसा सुख धरती को भी धरती भी चाहती है भूमि भी चाहती है कि जो मैं इतने दिनों से पानी के लिए धूप से तपती हूँ तप रही हूँ मुझे बहुत क्रोध माने धूप से तप गई हूँ वो क्रोध क्रंदन शांत होने के लिए मुझे आद्र यानी गीलापन सुख चाहिए गीला का सुख चाहिए वो भी आनंद से देखती रहती है और घुमर घुमर कर मेघ तो कैसा आता है वर्षा आवाज करते हुए वर्षा धरती पर आती है वो भी कहती है कि मैं भी आवाज करते हुए धरती पर आ रही हूँ तो धरती अब खाली उम्र। तो इसलिए बच्चों आपको ये दो स्टैंडर्ड या दो अनुच्छेद आपको समझ में आ गए कविता के। तो आप क्या करना है वर्षा आने से पहले हमें उसका वर्णन कीजिए पांच पंक्तियों में लिखिए गृह कार्य आपके लिए गृह कार्य वर्षा का अनुभव अपने शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए एक अनुच्छेद में लिखिए धन्यवाद बच्चों।